गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लासेस अगेन। कल हम लोगों ने एक सब्जेक्ट शुरू किया था जो था आपका बायोलॉजी। यस और नो, टेल मी। यस। अब जितने लोगों ने कल का क्लास ज्वाइन नहीं किया था, फॉर अ क्विक रिकैप, एक हम पॉइंट्स यहाँ पे कुछ लिखेंगे और उसके बाद आज के टॉपिक में प्रोसीड करेंगे, ठीक है? कल के क्लास में हम सब लोगों ने देखा था कि सेल जो है किसने डिस्कवर किया था? नाम बताइए जल्दी से। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। लाइव सेल, जिंदा सेल किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर किया था। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्किलन एंड स्क्वान ने दिया था। जो ये कहता है कि हर एक सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट करता है, यानी कि सेल अलग अलग होता है क्या? हाँ, हमने उसमें क्या देखा था, प्रोकैरियोट्स होता है एंड डेवलप्ड वाले यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों किस में आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आते हैं यूकैरियोट्स में। यानी कि प्लांट अलग है और एनिमल अलग है? हाँ। किसने कहा? सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, उनका नाम क्या है? कार्लोस लिनियस। लेकिन हम उनके थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? आर एच विटेकर ने दिया था। कैसे क्लासिफाई किया है? क्लासिफाई किया है इनटू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, जिसमें हमने देखा था प्लांट के सेल्स और एनिमल के सेल्स अलग होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इनका जो आउटर कवर है वो डेड होता है और किससे बना हुआ होता है? या तो सेल्यूलोस से बना हुआ होता है या तो काइटिन से बना होता है, जो कि एनिमल्स के पास नहीं है, ठीक है? फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था That a group of similar cells and origin, एक ऐसा group of cell जिनका बनाव एक जैसा है, वो मिलके बनाते हैं टिश्यू जो कि काम भी सेम करते हैं। जिस तरीके से इधर सेल ही अलग था, उसी तरीके से प्लांट के टिश्यूज और एनिमल के टिश्यूज भी अलग ही होंगे, जिसमें कि प्लांट के टिश्यूज को भी हमने आगे डिवाइड किया था और एनिमल्स के टिश्यू को भी आगे फोर में डिवाइड किया था, ठीक है? क्या यहां तक सबको कल के क्लास के बारे में क्लियर है? अगर इसमें कोई भी डाउट है देन प्लीज आस्क मी, नहीं तो आज हम लोग इसके आगे, यानी कि अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि हम किसके लिए पढ़ते हैं, स्पेशली इन एनिमल्स के लिए पढ़ते हैं। तो क्या हमें कोई भी डाउट है कि हम नेक्स्ट टॉपिक में आज का प्रोसीड कर सकते हैं? मुझे 2 मिनट सोच के बताइए। ओके, चलो, अब कोई डाउट नहीं आया है तो मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ऑर्गन सिस्टम इन केस ऑफ द एनिमल्स, ठीक है? तो अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊंगी अबाउट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम।
एग्जाम में कभी कभी दूसरे ऑर्गेन सिस्टम्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ह्यूमन ऑर्गेन सिस्टम ही पूछा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टार फिश मूवमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, अमोएबा मूवमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, एक्सेट्रा. ठीक है, फंजाई के केस में आशीष कुमार दास काइटिन भी हो सकता है. ठीक है, काइटिन भी हो सकता है फंजाई के लिए, क्योंकि वो प्लांट और एनिमल्स दोनों के बीच में है. ओके, नाउ लेट अस कम टू दी नेक्स्ट थिंग, दैट इज ऑर्गेन सिस्टम. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पूरा ऑर्गेन सिस्टम किस चीज से शुरू होगा? इंसानों के केस में पूरा ऑर्गेन सिस्टम किस चीज से शुरू होगा? सबसे पहले हम खाने को मिलाएंगे, खाने को खाएंगे, तो किस चीज से ये शुरू होगा? नंबर वन, स्टार्टिंग किस चीज से होगा? एनर्जी चाहिए. इस पूरे दुनिया में जो भी चीजें हो रहा है, ऑल द थिंग्स, वो हो रहा है सोलर एनर्जी के वजह से. सोलर एनर्जी के वजह से सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब हम इतने महान नहीं है कि हम सोलर एनर्जी को ही धूप जादू नहीं, तो सोलर एनर्जी को वाटर के साथ मिला के और CO2 के साथ मिला के ग्रीन प्लांट्स कर सकता है फोटोसिंथेसिस, जिसके वजह से हम ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर. इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर क्योंकि ये खाने को प्रोड्यूस करते हैं. क्या यहाँ पे ग्रास आएगा? बिल्कुल, ग्रीन ग्रास भी आएगा. क्या यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे आएगा? बिल्कुल, ब्लू ग्रीन एल्गे भी आएगा. ग्रीन कलर के प्लांट्स, एल्गे भी क्या है? ग्रीन कलर के प्लांट्स. ठीक है, तो ये सभी लोग मिलके क्या करेंगे? खाने को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, फिर या तो इसको, किसी भी घास फूस ग्रीन कलर के चीज को हमने खाया, या फिर किसी एनिमल को खाया जिसने इसको खाया होगा कभी ना कभी. जैसे हमारे आपके सबके दादा दादा कभी ना कभी किसान रहे होंगे, सबके सबने कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो ग्रीन प्लांट्स खाया होगा. ओके, तो हमें भी सबसे पहले खाना है, जिसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. अब अगर मैं थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के रूल्स के हिसाब से देखूं, तो फिर सबसे पहले खाने को मिलाना बहुत जरूरी है. यस, तो हम इंडियंस क्या करते हैं, हाथ से अच्छे से मिला के उसको खाते हैं, या फिर स्पून से खाते हैं, बट अच्छे से वो मिल जाता है. देखो, राइस और दाल फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए हाथ से मिलाते हैं अच्छे से. अब आप अगर सिर्फ मान लो नूडल्स खा रहे हो जो पहले से मिला हुआ है, तब उसको स्पून से खाना, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा सेंस है ना. तो सबसे पहले आपने खाना को खाया, इंजेस्ट किया. सबसे पहले आपने खाना को खाया, दैट इज आपने इंजेशन किया, इंजेस्ट किया. इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि खाना को आपने मुंह के अंदर डाला, दैट इज नोन एज इंजेशन. अभी वो फूड पाइप में गया भी नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे एक नोज पाइप भी है, नॉस्ट्रिल, जहां से हमने ब्रीद किया. यस, अब कभी कभी खाना खाते वक्त अगर हम ज्यादा बात करते हैं, तो एक राइस अलग से निकल के नोज पाइप में फंस जाता है. कभी इसको फील किया है? बट वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एपिग्लॉटिस है, एक छोटा सा टंग लाइक स्ट्रक्चर और है यहाँ पे. अपना मुंह अगर आप खोल के देखेंगे, देयर इज अ स्मॉल टंग लाइक स्ट्रक्चर जो इस फ्लैप को बंद करता है, रुको खाना खा ले, या फिर इस फ्लैप को बंद करता है, रुको सांस ले ले. सेपरेट, ह्यूमन बींग्स वी आर इवॉल्व्ड सेपरेट, एपिग्लॉटिस है ना. और कभी अगर फंस जाता है, और अगर मिर्ची वाला कोई चीज फंस जाता है, तब तो बहुत दिक्कत. Yes, so this is known as इंजेशन.
अब जब ये फूड माउथ के अंदर है, इन द माउथ, जब ये फूड माउथ के अंदर है तब तब इसके साथ क्या हो सकता है? डाइजेशन स्टार्ट्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि डाइजेशन पचाने का क्रिया पेट से शुरू हुआ है, पचाने का क्रिया मुंह से स्टार्ट होता है। डाइजेशन स्टार्ट्स इन आर माउथ, कैसे? सबसे पहले खाने को आपको ब्रेक डाउन करने का जरूरत है। ब्रेक डाउन आप मैकेनिकली कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल चबा के, च्यूइंग, बाइटिंग, टियरिंग, मिक्सिंग इट विद द टंग, एंड जो आपके माउथ में सलाइवा है, सबके माउथ में सलाइवा है, एक लिक्विड है, सो दैट इज नोन एज द सलाइवा, जो कि सीक्रेट करता है, जो कि सीक्रेट करता है सलाइवरी अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस। और ये सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है? स्टार्च को, जो माउथ में स्टार्च होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल डाइजेस्टिबल शुगर। स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल डाइजेस्टिबल शुगर। इसीलिए जो हमारे माउथ में टीथ है वो इस शुगर के वजह से, रात को कुछ शुगरी चीज खाया वो तो माउथ में डाइजेशन हो गया, तो इसीलिए टीथ जो है वो सबसे पहले सड़ जाने के चांसेस होते हैं। यस, फाइन। अब इंजेशन हो गया, अब खाना नंबर टू, ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। देयर इज नो डाइजेशन इन द ईसोफेगस। ईसोफेगस में या फिर फूड पाइप में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, वो सीधे फूड पाइप से बस चला जाता है। क्लियर है? ओके, हाउएवर, अब एक बात बताओ, आपने सूखा मुरमुरा खा लिया या फिर सूखा कोई भी चीज खा लिया, क्या वो फूड पाइप में दिक्कत नहीं करेगा? पानी पूरी खाने से माउथ छिल जाता है, तो क्या फूड पाइप नहीं छिलेगा? छिल जाएगा। सो व्हाट यू हैव हियर इज नोन एज, इसमें क्या होता है, म्यूकस। इसमें क्या है? म्यूकस। इसमें सलाइवा नहीं है, वो भी एक फ्लूइड है जो हेल्प कर रहा है फॉर द स्मूथ फ्लो, फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द फूड, बट इट इज नॉट सलाइवरी एमाइलेस, वी कॉल इट म्यूकस। ठीक है, नंबर थ्री, ये एंटर कर गया इनटू अ, नंबर थ्री, जे शेप्ड बैग। किधर गया? इनटू अ जे शेप्ड बैग। इस जे शेप्ड बैग में है एक एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहां से आया? यहां तक तो हाइड्रोक्लोरिक नहीं एसिड था, यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से आया? किसी ना किसी ने बनाया होगा। सो इट इज मेड बाय द ऑक्सीटिलिन सेल्स, नहीं ऑप्शन में हुआ तो पेरिएटल सेल्स इन द स्टमक। वो कहां बना? वो वहीं पे बनता है, नहीं तो यहां भी होता ना। क्या जरूरत है एसिड का स्टमक में? फॉर किलिंग द बैक्टीरिया इन द फूड। कभी भी गंदा खाना यहां वहां से खाते क्यों खा सकते? ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को वैसे भी मार देता है, इट किल्स इट। क्लियर है? अब और कोई डाइजेशन, खाने के बाद पेप्सी पिया, सो देयर इज एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज योर पेप्सिन, और ये क्या करेगा? दिस विल लीड टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन डाइजेशन करेगा। ठीक है,
स्टमक तक हो गया, तीन पॉइंट्स हो गया, क्विक रिवीजन, माउथ से खाना खाया इंजेशन, इसोफेगस से खाना गया, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हुआ, स्टमक में जाके स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन किया और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसने बैक्टीरिया को मार डाला। ठीक है, अब आगे स्टमक से खाना जैसे ही निकला उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है, बट द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज डियोडेनम, डियोडेनम, और इस डियोडेनम में लिवर के द्वारा सिक्रीट किया हुआ एक जूस जिसका नाम है बाइल जूस और स्टोर किया गया है किसमें, गॉल ब्लैडर में। दोबारा से सुनेंगे, लिवर के द्वारा बनाया गया हुआ बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर किया हुआ है जो गॉल ब्लैडर ने यहाँ पे रिलीज किया। ठीक है, क्वेश्चन, बाइल जूस कौन बनाता है, हु प्रोड्यूसेस, हु मेक्स बाइल जूस, आंसर क्या होगा, बाइल जूस इज मेड बाय, प्लीज आंसर, बाइल जूस किसने बनाया, वेरी गुड आशीष, बताओ बाइल जूस किसने बनाया, बताइए बाइल जूस किसने बनाया, बाइल जूस इज मेड बाय, है ना, वेरी गुड, इट इज मेड बाय लिवर, बाइल जूस इज मेड बाय लिवर, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लिवर, सीक्रेटेड बाय लिवर, स्टोर्ड इन, अब आंसर क्या होगा, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, रिलीज्ड इन, बाइल जूसेस रिलीज्ड इन, कहां रिलीज किया, डियोडेनम में। ठीक है, अब जो स्टमक का एसिडिक मीडियम में जो डाइजेशन होना था वो डाइजेशन हो गया एसिडिक मीडियम वाला, अब ये बाइल जूस बी फॉर बाइल, बी फॉर बेसिक, इसका जो नेचर है इसका बेसिक नेचर है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। ठीक है मुकुल, स्वागत, वेरी गुड, इसका बेसिक नेचर है, तो बेसिक नेचर की वजह से अब जो बाकी का डाइजेशन है वो यहाँ पे टेक प्लेस करेगा, उधर पेप्सिन था, इधर और कुछ लोग होंगे, वो है ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लैक्टेस एक्सेट्रा, ये सारे एंजाइम्स भी यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो पचाने का प्रोसेस है वो हो गया, मतलब खाना ब्रेक डाउन किया, खाया, माउथ से स्टार्ट हुआ था और ब्रेक डाउन होते होते अब कहाँ पहुंच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही स्टार्टिंग पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये डाइजेशन कंटिन्यू हुआ। अब बारी है, खाना पूरा बन चुका है, अब बारी है इस खाने को खाने का, या फिर शरीर को इस खाने को, शरीर ने इतना देर खाना बनाया अपने हिसाब से, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज जीरो और ओ ही समझ, वन ही समझ सकता है, तो द वॉट एवर द फूड कैन अंडरस्टैंड इट वॉज स्टिल मेकिंग दैट वन, नाउ इट इज टाइम फॉर द बॉडी टू ईट इट, अब वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास फिंगर है टू टेक द फूड, व्हाट डज द बॉडी हैव, इसके पास भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिसका नाम क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये हो गया था नंबर फोर, है ना,
the duodenum. Now number 5, in the intestine. Kaun sa intestine? In the small intestine. In the small intestine, there are small finger-like projections. Kaise projections? There are small finger-like projection known as villi. This villi is extensively connected with blood vessels. And this villi is also helped by the microvilli. Yani ki, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको हम विली कहते हैं. इस एक विली में जैसे न्यूरॉन न्यूरोग्लिया बहुत सारे माइक्रोविली है जो बहुत सारे ब्लड वेसल्स के साथ एक्सटेंसिवली इतने अच्छे से कनेक्टेड है दैट ये जो भी प्रोटीन विटामिन जो भी फूड डाइजेस्ट होके आया है उसको किस में लेके जाएगा? उसको लेके जाएगा ब्लड में. एंड the whole body will get it through the help of the blood. For example, jaise plants ke case mein, the phloem tissues were responsible for circulating the food in bidirectional, dono direction mein, pure plant ko jaise usne khana pahunchaya tha, in the human body, the, wo kya tha, kaunsa tissue tha? Phloem tissue. In the human body, the liquid connective tissue, blood is helping to circulate the or to move the food in the entire body. Is it clear? Chala gaya? Sab khana, minerals, proteins, jo jo jana hai. But in point number 6, you have the large intestine. And in the large intestine, ab kya hoga? Ab kiski bari hai? Water. Jo excess amount of water hai, that is further absorbed from the large intestine. Kyunki waste, water karke, hum log zyada waste kar baithenge. And यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी होता है फॉर फर्दर डाइजेक्शन. वाटर निकाल लिया, सो जो रेस्ट ऑफ द थिंग इज देयर, थोड़ा सा उसको सॉलिड जैसा बन जाएगा वाटर उसमें से निकाल लेने के बाद. एंड दिस सॉलिड विल बी एक्सक्रीटेड बाय द रेक्टम, उसके बाद फाइनली एनस. So there is an organ, a sphincter muscle, jo control kar sakta hai, which is rectum and then anus, and whatever you do not need by the body, wo body ke bahar chala jayega. Clear hai? Ab hum dekhenge iske kuch images, taki ye pura cheez humko dobara se revision ho jaye. Theek hai? To ab slide ko yahan pe open kar dijiye. Theek hai? Ab hum isi ko by some images we will see it. ठीक है, आ जाइए images पे, first slide पे आ जाइए. So digestion के लिए कितने steps है? There is ingestion, खाना को आपने खाया. There is the movement, वो खाना आपके पेट में गया. Then खाना movement किससे किया? Esophagus से किया. फिर आपने उसको mechanically चबा के, ठीक है, digest किया. Mouth से आपने शुरू किया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से उसने एब्जॉर्ब करना शुरू किया, और फाइनली रेक्टम एंड एनस से आपने उसको एलिमिनेट किया. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. नाउ डाइजेशन के टाइप्स क्या क्या है? माउथ के अंदर जो भी हुआ दैट इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन, आपने च्यू किया, आपने टीयर किया एक्सेट्रा. एंड केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को आपने ब्रेक डाउन किया है, केमिकली आपने ब्रेक डाउन किया है प्रोटीन्स को बाय पेप्सिन एक्सेट्रा, एंड केमिकली आपने ब्रेक डाउन किया है द लिपिड्स इनटू प्रोटीन्स को आपने जैसे एमिनो एसिड्स बना दिया, ठीक है, वैसे आपने फैट बनाया लाइपेस का यूज करके, लिपिड्स वगैरह आपने इसमें ब्रेक डाउन किया. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं.
नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नाउ इस डायग्राम में अब नेक्स्ट कर दीजिए माउथ, नेक्स्ट फेरिंग्स सांस लेने वाला, नेक्स्ट ईसोफेगस फूड पाइप, नेक्स्ट स्टमक, नेक्स्ट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन ब्राउन वाला, और उसके बाद रेक्टम एंड एनस। टीथ से क्या किया? मैकेनिकल ब्रेकडाउन किया। टंग से क्या किया? खाना को मिक्स किया। और सलाइवरी अमाइलेस क्या है? वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है? एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। दिस इज योर ईसोफेगस। कितना लंबा है? अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ज्यादा लंबा नहीं है, तुरंत पेट आ ही जाता है लगभग। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? इसमें क्या होता है? म्यूकस। क्या याद रखना है? म्यूकस। नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर वन इसमें होता है म्यूकस, आगे कर दीजिए। ठीक है, जिस मूवमेंट से खाना नीचे की तरफ स्टमक में जाता है, खाना ऊपर क्यों नहीं आता है? स्टमक से ऊपर भी तो आ सकता है, नीचे ही क्यों जाता है? क्योंकि इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टेलिसिस। पेरिस्टेलिसिस इज दैट मूवमेंट जिससे खाना माउथ से ईसोफेगस के थ्रू होके स्टमक में जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, बाहर से आवाज आ रहा है, बाहर वाला आवाज आ रहा है ना? ठीक, अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको कौन सीक्रेट करता है? ऑक्सेंटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। हो क्या रहा है? ठीक है, आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली एवरीवन? क्या आपको सही से आवाज आ रहा है कि कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहा है? एक बार मुझे बता दो। अभी तो नहीं आ रहा है, खैर अभी तो स्टॉप हो गया। ओके, तो कभी कभी जो स्टमक में एसिड होता है वो एसिड कभी कभी ऊपर की तरफ अगर आ जाए तो इससे हमको क्या होता है? तकलीफ हो सकता है। ठीक है, दैट इज योर एसिडिटी। सोल्यूशन क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। सोल्यूशन क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट खाना किसमें चला जाएगा? स्टमक में चला जाएगा। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। सो दिस इज योर स्टमक, द रेड कलर, जे शेप बैग है ये। आगे वॉमिटिंग, वही फूड जब आपका बाहर आ जाए देन दैट इज योर वॉमिटिंग। डाइजेशन नहीं होगा तो, ठीक है, तो इसमें लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, और उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस इसमें होता है जो प्रोटीन्स और लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर देता है। प्रोटीन्स के लिए कौन है? प्रोटीन्स के लिए है आपका प्रोटीन्स के लिए क्या है? प्रोटीन्स के लिए है पेप्सिन। ठीक है, फूड जब स्टमक में होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको काइम कहते हैं, CHYME, काइम। जब फूड स्टमक के अंदर होता है तब हम उसको काइम कहते हैं। और दो चीजों का ब्रेकडाउन, दो गैस्ट्रिक जूसेस बिल्कुल याद रखना है जो स्टमक में है। नंबर वन इज पेप्सिन, नंबर टू इज पेप्सिन का PQR, पेप्सिन का भाई रेनिन। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन, दिस इज क्लियर। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट खाना किसमें जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट को हम क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट को हम कहेंगे ड्यूओडेनम।
इसमें क्या क्या पाया जाएगा, ट्रिप्सिन, एमाइलेस और लाइपेस, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये 7 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, यहां से खाने को एब्जॉर्ब करना हम शुरू करेंगे बाय द फंक्शन ऑफ मुकुल। देखो दो चीज, एक चीज ऐसे सिंपली याद रखना सर, एक बार बोर्ड पे आ जाइए, कि जैसे कि पेप्सिन एसिड कंटेंट था ना, तो रेनिन दोनों भाई भाई है, अगर पेप्सिन एसिड के लिए था तो रेनिन मिल्क के लिए है, रेनिन मिल्क के लिए है, कैसेइन वगैरह यह बनाता है। अब कैसे याद रखेंगे, दोनों भाई भाई है, ठीक है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मिल्क वाला कैसेइन बनाने के लिए या फिर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए देयर इज रेनिन, सो दैट इज व्हाई पेप्सिन एंड रेनिन इज टुगेदर इन द स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में इसीलिए पेप्सिन और रेनिन एक साथ है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और एमाइलेज है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या किया, बाकी सभी डाइजेशंस को कंप्लीट किया, और उसके बाद फूड चला गया किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट किसमें आ गए हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, बाकी का जो वाटर है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, बाकी का जो वाटर है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे भी कुछ विली जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, और बाकी का जो भी वाटर है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, लेकिन इसको विली नहीं कहेंगे, ओके, अनडाइजेस्टेड फूड है वो सब इधर चला गया, ठीक है। और एक चीज क्या है, इसमें हम कुछ बैक्टीरिया भी पाएंगे, और ये रेक्टम के बाद एनस के थ्रू जो भी खाना बचा रह गया उसको शरीर से बाहर निकाल देगा, क्लियर, उसको शरीर से बाहर निकाल देगा, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर और कॉन्सेंट्रेट कर दिया वेस्ट को सॉलिड फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, नाउ द एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है, अब कौन कौन और रह गया, अब एक चीज स्टमक इंटेस्टाइन ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट और कुछ ऑर्गन्स रह गए, फॉर एग्जाम्पल देर इज योर लिवर, फॉर एग्जाम्पल देर इज योर गॉल ब्लादर, तो फॉर एग्जाम्पल और कौन रह गया हम लोग का, पेनक्रियाज हमारे पास रह गया, ठीक है, यस, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव, थ्री एक्सेसरी ऑर्गन्स, इसीलिए तो यहाँ पे पकड़ रहे हैं, ये साउंड आ रहा है ना बाहर वाला, गाइज इज द साउंड क्लियर, क्या साउंड सही से आ रहा है, थोड़ा सा बीच बीच में आज डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमारे मेन ऑर्गन्स थे, ठीक है। अब कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स, जैसे स्टमक के पहले इधर लिवर था, इधर गॉल ब्लादर था, तो कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में एक दो बातें देख लेते हैं, ठीक है। नंबर वन एक्सेसरी ऑर्गन इज योर लिवर, जो ये लिवर था, इसके बारे में दो बातें हमको देखना है, नंबर वन इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, लिवर। नंबर टू इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, लेकिन अगर ऑप्शन में स्किन हुआ तो स्किन पे टिक करेंगे, या फिर ऑप्शन में एक्सटर्नल ऑर्गन हुआ तो एक्सटर्नल ऑर्गन पे टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। नंबर थ्री लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस, नेक्स्ट इज योर द गॉल ब्लादर, दिस इज द गॉल ब्लादर, गॉल ब्लादर ने क्या किया, स्टोर किया है बाइल जूस को, इन केस ऑफ गॉल ब्लादर स्टोन्स हाउएवर द गॉल ब्लादर में ऑल्सो बी रिमूव्ड, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू दिस स्लाइड, वापस आते हैं, सो लिवर, ठीक है,
बाइल किया। बाइल किस चीज में मदद करता है? फैट को डाइजेस्ट करने में, और इसीलिए फैटी लीवर करके भी एक सिंड्रोम दुनिया में पाया जाता है। ठीक है, चाहे भी कोई अल्कोहल लेता है बहुत ज्यादा, या फिर थिंग्स लाइक दैट, तो लिवर को इसके वजह से सफर करना पड़ता है। नॉर्मली लिवर डाइजेस्ट कर ले जाता है, आर लिवर इज वेरी स्ट्रांग, बट कभी कभी हो सकता है ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज योर गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट पे आते हैं। गॉल ब्लैडर दिख रहा है, छोटा सा जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे, जो बाइल को हमारा स्टोर करके रखता है, दैट स्मॉल स्ट्रक्चर इज नोन एज योर दी गॉल ब्लैडर। अब इसने काम क्या किया है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिलीजेस द जूसेस इनटू योर डियोडेनम। ठीक है, बाइल सीक्रेट किसने किया था? लिवर ने। ठीक है, और यहाँ पे इसको डिस्पोज किसने किया? गॉल ब्लैडर ने। ठीक है, और बाइल का नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है, एसिडिक नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट इज योर पेनक्रियास। जो हमने देखा था पेनक्रियास का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कि ये पेनक्रियाटिक जूसेस को सीक्रेट करता है। जो येलो कलर का दिख रहा है डायग्राम में, स्टमक के जस्ट नीचे, डियोडेनम से जस्ट पहले, इसके साइड में, दैट इज योर पेनक्रियास। और पेनक्रियास के लिए हमने क्या देखा? पेनक्रियाटिक जूसेस, नंबर वन। नंबर टू, इंसुलिन सीक्रेट करने का काम भी करता है। इसके लिए एक स्पेशल आपके पास सेल होता है, जिसको हम कहेंगे बीटा सेल। एक बार बोर्ड पे आते हैं। इंसुलिन वाले पॉइंट के लिए और पेनक्रियास के लिए, जैसे लिवर के लिए लिख लिया है, गॉल ब्लैडर के लिए छोटा सा पॉइंट लिख लिया है, उसी तरीके से अब पेनक्रियास के लिए लिखेंगे। पेनक्रियास के लिए लिखेंगे, नंबर वन लिखेंगे नंबर वन सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूसेस। सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूसेस नंबर टू। बीटा सेल्स इन दी आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। बीटा सेल्स इन दी आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। Which is a hormone for sugar regulation. Okay? Let us come back to this slide. ये तीन पॉइंट सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है? नंबर वन क्या है? नंबर वन आईलेट्स ऑफ लैंगर हैं, जो कि पेनक्रियास के अंदर आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के भी एग्जैक्टली बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ग्लूकागोन सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अल्फा सेल्स। ठीक है, तो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स को हमने इधर अलग अलग करके अच्छे से याद कर लिया। ठीक है, दिस इज क्लियर। ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लूकागोन ग्लूकोज में चीजों को कन्वर्ट करने में मदद करेगा। ग्लूकागोन प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, सो प्लीज रिमेंबर अबाउट ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन को याद रखिएगा, ये इसको इग्नोर नहीं करना है, ये बार बार प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हुआ है। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम लोगों ने बोर्ड पे फिर से आ जाते हैं। जो विली था एंड जो हेल्पिंग विली को हेल्प करने वाले माइक्रो विली था, विली और माइक्रोविली कौन से ऑर्गन के साथ अटैच था? विली और माइक्रोविली कौन से ऑर्गन के साथ अटैच था? दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये
स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा ठीक है ओके स्वागत ठीक है। और विली और माइक्रोविली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है विच आर एक्सटेंसिवली कनेक्टेड बाय दी ब्लड वेसल्स, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज इसके साथ कनेक्टेड है, तो फूड जो है इसमें आ गया, ब्लड में आ गया। ठीक है, फूड किस में आ गया, ब्लड में आ गया, मतलब खाने का जो फाइनल फॉर्म है, जैसे प्रोटीन का जो फाइनल फॉर्म है वो क्या है, एमाइनो एसिड्स। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तो ये ग्लूकोज हो गया, है ना। उसी तरीके से मिल्क का कैसेन, जो फाइनल फाइनल जो चीज है जो शरीर को चाहिए, जो सुपर मॉडल्स, यू सी हैव सीन सुपर मॉडल्स, जीरो साइज फिगर, दे विल नॉट हैव द एंटायर मील, एक कैप्सूल खा लिया जिसमें सबका, छोटा सा एक कैप्सूल खा लिया जिसमें सब कुछ है, फाइनल फॉर्म है ना, तो एकदम सुपर स्लिम साइज, राइट। सो देयर आर ऑप्शंस, ओके, डाइटिंग, विटामिन बी कैप्सूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ कुछ खा लिया, है ना। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है ये सब, शॉर्ट टर्म वेट लॉस सोल्यूशंस एक्सेट्रा, बट जो भी है फाइनल मोटिव क्या है कि ब्लड में चीजें मिल जाए, या बट हाउ ब्लड इज सर्कुलेटिंग इट इन द एंटायर बॉडी, ब्लड किस तरीके से इसको पूरे बॉडी में सर्क्यूलेट कर रहा है। ठीक है, इसको अभी मैं मिटा दो, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट सिस्टम में जिसका नाम क्या है, द सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ओके एवरीवन, सो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेन सिस्टम, नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेन सिस्टम नंबर टू, दैट इज द सर्क्यूलेटरी सिस्टम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो है दैट इज नथिंग बट योर ब्लड इटसेल्फ। बट एक बात बताइए, ब्लड इज नथिंग बट अ फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू, ये तो बायोलॉजी का भाषा हो गया, ये फ्लूइड किसका भाषा है, फ्लूइड इज फिजिक्स का लैंग्वेज है ना, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। फिजिक्स में सॉलिड हो सकता है कोई भी चीज, लिक्विड हो सकता है कोई भी चीज, गैस हो सकता है कोई भी चीज, या फिर प्लाज्मा हो सकता है कोई भी चीज। तो ये प्लाज्मा के फॉर्म में है ब्लड, प्लाज्मा, या फिर ये आप समझ लो कि फ्लूइड है, पूरा लिक्विड नहीं है, थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा एक लिक्विड है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप लिक्विड, अगर आप लिक्विड समझने में ज्यादा कंफर्टेबल हो कि ये लिक्विड है, तो क्या लिक्विड अपने हिसाब से फ्लो करता रहेगा, क्या लिक्विड अपने हिसाब से फ्लो करता रहेगा। मान लो लिक्विड अपने हिसाब से, हार्ट हमारा बीच में है, हार्ट से नीचे की तरफ मान लो फ्लो किया, ब्रेन को भी तो ब्लड चाहिए ना, ब्रेन को भी तो ब्लड चाहिए। सो सारे ब्लड तुम्हारे फीट को नहीं चाहिए, पैरों को सारा ब्लड नहीं चाहिए, ब्रेन को भी ब्लड चाहिए। तो इस ब्लड को पूरे बॉडी में अच्छे से सर्क्युलेट करने के लिए एक पंप चाहिए हमको कि नहीं चाहिए, पंप टू पंप दी ब्लड, कि पूरे हर तरफ बराबर से जाओ, यस और नो, चाहिए। सो हार्ट इज द पंप ऑफ द बॉडी। नंबर थ्री, अब इसको पंप करने के लिए एक पाइप भी चाहिए, पाइप पाइप चाहिए, पाइप पाइप चाहिए घर पे वाटर को इधर उधर करने के लिए। आर्टरी, वेन और उसको भी कनेक्ट करने वाले छोटे छोटे, दैट इज योर कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कभी कभी क्या हुआ, थोड़ा बहुत फ्लूइड जो है वो मेन पाइप से बाहर होके इधर उधर घूमने लग गया,
इसमें आरबीसी तो नहीं निकला बाहर, पेरिप्रीशियस और कुछ कुछ बाकी फ्लूइड जो है वो आसपास इधर घूमने लग गया। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर लिम्फ, LYMPH, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे दिख रहा है ना, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ। अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या है उसमें, तीन चीजें हैं, नंबर वन इज ब्लड, नंबर टू इज हार्ट, नंबर थ्री इज द आर्टरी वेन एंड द कैपिलरीज। सबको क्लियर है? एक पंप है जिससे मैंने ब्लड को पाइप्स के थ्रू पूरे बॉडी में पंप किया, जैसे घर पे एक वाटर सिस्टम होता है जो बाथरूम में किचन में हर जगह पानी सर्कुलेट कर रहा है, द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, दिस इज क्लियर। ये एक बार भी रुक गया, स्टॉप हो गया तो सिस्टम फेल। सो वॉट इज द रीजन ऑफ हार्ट अटैक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज द स्टॉपिंग ऑफ द पंपिंग ऑफ ब्लड और द स्टॉपिंग ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट। क्लियर? मेन पंप में ही नहीं गया तो मोटर ऑन नहीं हुआ, तो टंकी में पानी गया नहीं तो सब बंद। क्लियर है? कोई भी ऑर्गेन बिना ब्लड फ्लो का काम नहीं कर पाएगा, हार्ट स्टॉप यानी कि सब स्टॉप। क्लियर? अभी हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज ब्लड। ओके, नीचे वाले ऑफिस में कोई कुछ काम कर रहा होगा, उसका साउंड डिस्टरबेंस है, क्या कर सकते हैं, राइट? दैट टू देयर वर्किंग ऑन द रूफ, आर्टिफिशियल सीलिंग का रूफ है ना, उसमें काम करके कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग आउट, साइड्स होने से नहीं आता। स्वागत उसमें आएंगे, है ना, कभी कभी ब्लड में से जो WBC वगैरह है या फिर जो बाकी फ्लूइड है एक्सेप्ट द आरबीसी, आरबीसी है तो रेड दिखेगा, अगर बाकी फ्लूइड वगैरह है ना, उसमें WBC भी एक दो हो सकता है, बाकी फ्लूइड भी हो सकता है, वो बाहर निकल गया है ना, सो उसका कलर आपका येल्लोइश हो जाता है, वो लिम्फ बन जाता है फिर, है ना। ओके, अब ब्लड से शुरू करते हैं, उस पे लिम्फ पे बाद में जाएंगे, ठीक। अब दिस ब्लड कैन बी डिवाइडेड इनटू, जैसे पूरे बॉडी में अगर 70% वाटर ही वाटर है तो ब्लड इज ऑल्सो नथिंग बट ओनली वाटर। हाँ, ब्लड इज ऑल्सो नथिंग बट ओनली वॉटर, यस। सो देर इज समथिंग नोन एज ब्लड प्लाज्मा विच इज नथिंग बट वॉटर। कितना परसेंट? 55-60%, जो भी ऑप्शन में दिखे, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्लाज्मा है क्या? ये कुछ नहीं है, ये 90% तो वॉटर ही वॉटर है, 90% तो ब्लड प्लाज्मा कुछ भी नहीं है, इट इज ओनली वॉटर। 90% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज नथिंग बट वॉटर, माने कि ब्लड का 55-60% ब्लड प्लाज्मा है, वो भी कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ पानी ही है और कुछ नहीं। बचा रह गया जो बाकी 10%, उसमें प्रोटीन आएगा, उसमें सॉल्ट आएगा, उसमें मिनरल्स विटामिंस वगैरह वगैरह आपका आएगा। नंबर टू इज योर ब्लड कॉर्प्यूसल्स, ब्लड कॉर्प्यूसल्स, ब्लड कॉर्प्यूसल्स, ब्लड कॉर्प्यूसल्स में क्या है, द रेस्ट 40% लगभग इज योर ब्लड कॉर्प्यूसल्स। ब्लड कॉर्प्यूसल्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, द आरबीसी, डी WBC एंड द ब्लड प्लेटिलेट्स, एंड द ब्लड प्लेटिलेट्स। द आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज अर्थ्रोसाइट्स, the WBC are also known as leukocytes, and the platelets are also known as thrombocytes. अब ब्लड अगर इतना सारा फंक्शन कर रहा है, इतना सारा काम कर रहा है, प्रोटीन को इधर उधर करना, मिनरल्स को इधर उधर करना, हीमोग्लोबिन को इधर उधर करना, ऑक्सीजन को इधर उधर करना है, तो काम को डिवाइड करना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, है ना। जैसे कि इनिशियली ऋग्वेदिक पीरियड में ब्राह्मण क्षत्रिय, दी क्षत्रिय विल हेल्प दी अदर्स, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा कोई लड़ने आया तो प्लेटिलेट्स ने सबसे पहले कहा, कभी अगर कट गए ना और ब्लड ही निकलने लग गया, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग द ब्लड, मैं ब्लड को क्लॉट कर दूंगा, उसको जमा दूंगा,
है ना, लेकिन मुझे किसी का जरूरत है। किसका जरूरत है? मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगा विटामिन का, विटामिन के का जरूरत पड़ेगा मुझे यहाँ पे। इस चीज को याद रखिएगा जब हम विटामिन्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो प्लेटलेट्स सेड दैट ओके आई विल डू वन थिंग, आई विल क्लॉट द ब्लड, ठीक है। WBC ने बोला वो तो खून बाहर निकलेगा तब ना, जब अंदर में ही कोई कुछ है दिक्कत तो क्या करोगे। सो WBC सेड दैट आई विल प्रोटेक्ट द बॉडी, आई विल प्रोटेक्ट द बॉडी। कोई भी बाहर से अगर आता है, कोई भी अगर बागस में रेड कलर लेके, बहुत बड़ा गुरूर का काम नहीं करूंगा, बट आई विल प्रोटेक्ट द बॉडी। एनी इन्फेक्शंस आई विल हैव द टी सेल्स, द मेमोरी सेल्स, मैं याद कर लूंगा कि इसने मेरे को चोट पहुंचाया था, सो नेक्स्ट टाइम आई विल फाइट अगेंस्ट इट, है ना। सो द टी सेल्स, द मेमोरी सेल्स, WBC। एग्जाम में क्या पूछेगा? अगर किसी इंसान को एड्स है, HIV एड्स है, देन इन दैट केस किस चीज में दिक्कत आता है? द WBC काउंट फॉल्स। अगर किसी को डेंगू है तो क्या होता है? द प्लेटिलेट काउंट फॉल्स। फिर कीवी खाओ, देन दिस बाबा रामदेव का एक लता, एक बेल होता है, उसका जूस बना के पियो एक्सेट्रा, एंड डॉक्टर विल से पैसा लो प्लेटलेट्स इंक्रीज करने के लिए, बट गिलोटी का जूस, या दैट वन रियली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्लेटलेट काउंट्स। सो एड्स में क्या होता है, द बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो ही गिर जाता है। क्यों? क्योंकि WBC का काउंट गिर जाता है। अगर किसी के शरीर में WBC का काउंट ज्यादा है, यानी कि शरीर कोई इन्फेक्शन से लड़ रहा है, WBC मोर इम्यूनिटी को बिल्ड कर रहा है, इन्फेक्शन से लड़ रहा है। दिस इज द पर्पस ऑफ WBC। हमेशा साथ देंगे क्या? हमेशा साथ नहीं देंगे। मैक्सिमम 3 to 4 डेज आफ्टर दैट WBC विल डाई, न्यू WBC सेल्स विल बी मेड। हमारा खून भी हमेशा हमारा साथ नहीं देता है। RBC मैक्सिमम 120 डेज, देन इट विल से बाय बाय। सो वी आर वेरी लकी एनफ दैट वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हु कैन प्रोड्यूस ब्लड। नॉट एवरीबडी इज लकी एनफ टू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग दिस न्यू RBC एंड दिस न्यू WBC एंड द न्यू ब्लड सेल्स। RBC इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, बट नॉट एवरीबडी इज लकी एनफ टू प्रोड्यूस दिस ब्लड सेल्स अगेन एंड अगेन। सिंस वी नॉर्मली प्रोड्यूस देम विद इन 120 डेज, सो इट इज okay, it is good if we are donating blood at least every 6 months, right? That is what is the usual blood donation time period. Now this RBC, anyhow it will die in 120 days. This is responsible. This one has a special pigment. When I say the word pigment, what do you remember in plants? Jaise hi main pigment bolti hu, plants mein kya yaad aata hai? Kaun yaad aata hai plants mein? Plants mein kaun sa pigment tha jo green color ke liye responsible tha? Plants mein कौन सा पिगमेंट था जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था? द क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन पिगमेंट। उसी तरीके से RBC में भी कोई है। कौन है RBC में? देर इज समथिंग नोन एज द हेमोग्लोबिन। This pigment hemoglobin is responsible for the red color in the blood. Very good. But our blood does not want to make friendship with this hemoglobin. क्योंकि ये तो अच्छा है, हम अच्छे लोगों से कहाँ दोस्ती करना चाहते हैं, हम तो बुरे लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं। जिंदगी काटनी किसे थी, हमें तो जीनी थी, right? Zero movie. So this RBC will try to make more friendship with CO, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि अच्छे वाले को मार देगा। सो इट विल फॉर्म carboxyhemoglobin. द ब्लड विल टर्न फ्रॉम रेड टू ब्लू एंड द पर्सन विल स्लोली डाई। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन विच हैज द हाइएस्ट एफिनिटी फॉर आर ब्लड, दोस्ती करने का संभावना सबसे ज्यादा, फिर CO2, और फिर लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता तब ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेता है हमारा ब्लड। दैट इज द नॉर्मल, दैट इज हाउ वी
आर मैनेजिंग एंड दिस इज दी ब्लड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर एंड इट ऑल्सो कैरीज दी ओ टू. एज सुन एज आई से कि ब्लड इज कैरिंग दी ओ टू, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अब ये गैस कहाँ से आया. हमने शुरू किया था खाना को खाने से, खाना खा लिया सब लोगों ने, फिर हमने शुरू किया था, हमने फूड सबसे पहले खाया जो विल्ली ने ब्लड में डाल दिया, जहाँ से मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा. बट अब कह रहे हैं कि ब्लड ओ टू भी सर्कुलेट कर रहा है, तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये ब्लड और ये लंग्स शरीर के अंदर कहाँ मिल रहा है. बिकॉज आई एम टेकिंग द ओ टू एंड सी ओ टू एंड आई एम रिलीजिंग द सी ओ टू इन दिस वन ब्लिंक. देर आर टू गैसेस, दो गैसेस आ गया, सी ओ टू प्लस ओ टू आ गया एक साथ. तो ब्लड ने ये डिफरेंशिएशन कहाँ किया, ये लंग्स से कब मिला और ये लंग्स से कब मिल के कब इसने ओ टू ले लिया, कब इसने सी ओ टू वापस लंग्स को दे दिया और कब ये पूरा प्रोसेस हुआ, दैट विल टेक मी आउट ऑफ द सर्क्यूलेटरी सिस्टम. वो मुझे सर्क्यूलेटरी सिस्टम से बाहर ले जाएगा. किस पे ले जाएगा? वो मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ले जाएगा, या फिर अब मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ जाएगा. कौन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा? मुझे हार्ट बनाना पड़ेगा, हार्ट से लंग्स में कैसे मैंने गैस को एक्सचेंज किया ये बनाना पड़ेगा, और बॉडी में कैसे मैंने उसको एक्सचेंज किया ये बनाना पड़ेगा. यानी कि जो मेरा दूसरा टॉपिक था ब्लड के बाद, दैट इज योर हार्ट, अब यहाँ पे कवर होगा मेरा हार्ट. और ये जो मेरा तीसरा पॉइंट था सर्कुलेटरी सिस्टम में, नंबर टू हार्ट ये है, और जो मेरा नंबर थ्री पॉइंट था ये आर्टरीज, ये एरोटा या फिर ये वेन्स, ये सब मुझे अब इसमें कवर होगा इस डायग्राम में. यहां तक कोई डाउट है? क्विक रिविजन, आज के क्लास में हमने सिर्फ तीन शब्द पढ़ा है. वो तीन शब्द कौन सा है? फूड को हमने खाया जिसको विली ने ब्लड में डाला, और अब हम इसमें O2. तो ये तीन शब्द सिर्फ हमने पढ़ा है. सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस O2. ऐसा कुछ इक्वेशन था. देखो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स दैट इटसेल्फ इज ग्लूकोज, वही सिर्फ ग्लूकोज है, ठीक है. अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल लगा लो तो दैट इज अप टू यू, है ना. तो दैट इज प्लांट्स वगैरह इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके फाइन. फिर हाइड्रोजन गैस भी उधर रिलीज हो सकता है, बट बेसिकली ग्लूकोज के लिए C6H12O6, ठीक है, जो हमको काम चलाने के लिए चाहिए. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू कंप्लीट दी सर्कुलेटरी सिस्टम, दी हार्ट एक्सेट्रा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. हर एक स्टेटमेंट मैं जो आपको बोल रही हूँ, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट दैट आई एम सेइंग यू, हर एक स्टेटमेंट के अंदर एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है. एक एक बात जो मैं आपको बोल रही हूँ उसके अंदर एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है. सो प्लीज उसको ध्यान रखते हुए स्टडी करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए स्टडी करना, ओके. चलो, सो आई विल सी यू अगेन टुमारो 6 to 7, ठीक है. इसको एक बार रिविजन कर देना, और कोई डाउट्स होने से मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना, ओके एवरीवन, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में क्या करना है हमको? सर्कुलेटरी सिस्टम करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम करना है, और थोड़ा बहुत जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके साथ मिक्स करके करना है, ओके. चलो, सो आई एम लीविंग फ्रॉम दिस क्लास नाउ, बाय बाय एंड आई विल सी यू टुमारो, ठीक है. और हाँ, एक चीज मत भूलना, कल 1 to 2 PM जो लाइव सेशन होगा, दोस पीपल, ठीक है, स्वागत पूरा डिटेल में ही पढ़ा है हम लोगों ने, है ना. कल तो हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे ना, सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा डिटेल में ही पढ़ा है हम लोगों ने, और इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है. और कल 1 to 2 PM हमारा बायोलॉजी सेशन है, तो यूट्यूब लाइव, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन इट ऑल्सो, ठीक है, उसको भी ज्वाइन करना. चलो, बाय बाय.